जयंत के खास ने बीजेपी के रणनीतिकारों को दे दी बड़ी चेतावनी, आंख में आंख डालकर कह दी बड़ी बात। मथुरा में जयंत के इस नेता के साथ भाजपाइयों ने वो किया जो किया, उसके बाद वो खुद सार्वजनिक मंच पर आकर बीजेपी के पोल खोलने से रोक नहीं पाए। आरएलडी के इस नेता के गुस्से को देखकर हेमा मालिनी को हुई टेंशन, सोच में तो जरूर पड़ी होंगी कहीं खेला ना हो जाए। लेकिन जो सम्मान कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए लोकदल के कार्यकर्ताओं को, गठबंधन होने के बावजूद वो नहीं मिल रहा है। तो एक कार्यकर्ता है, सब लोग कार्यकर्ता है, लेकिन कार्यकर्ता अपने सम्मान को बेच के कोई समझौता नहीं कर रहा। लेकिन सम्मान के साथ अगर कोई समझौता करने के लिए दबाव डालेगा या ये टिकट फॉर ग्रांटेड लेगा कि ये तो हमारे लोकदल के हैं ही सब, ये तो सब रहेंगे, तो वो समझौता हम नहीं मानने को तैयार है। और अनजाने में किया है तो अपने में सुधार कर ले, वो अभी भी समय है, बेटी बाप की है, चुनाव अभी होने वाला है। अब यहाँ वृंदावन छठी ग्राम में अभी अमित शाह आए थे, उसकी मुझ पर कोई सूचना नहीं थी, और लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि आप मंच पर नहीं दिख रहे हैं, आप मंच पर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं अपमान सहने के लिए उस मंच पर नहीं जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल वालों को ज़्यादा घास, हिंदी में शब्द है, घास नहीं डाल रही, फिर भी हम बेशर्माई से लगे हुए हैं चूंकि हमारे नेतृत्व ने, लेकिन उनके अनुसार मैं भी अनुसरण कर रहा हूँ, हालांकि मुझे भी फुरफुरी सी आती है, लेकिन अब क्या करें। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने जाने क्या से क्या ना किया बीजेपी से दोस्ती के लिए, लेकिन अब उनके पार्टी के साथ वो सब होने लगा जिसकी उम्मीद शायद ही की होगी। कभी प्रचार किया गया, बीजेपी ने आरएलडी की राजनीति को बहुत ही घास डाली, अब उनके ही नेता कह रहे अब भाजपाई तो आरएलडी के नेताओं को घास ही नहीं डाल रहे। आरएलडी नेताओं ने मथुरा में एक तरह से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसा लग रहा है बीजेपी के उम्मीदवार को चारों खाने चित करने के लिए मोर्चा खोल दिया। देखिए चुनाव सन्निकट है, 26 तारीख को मतदान होना है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, माननीय जयंत जी इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारी तो मात्र दो ही सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 80-85 सीटों पर लड़ रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो चौधरी चरण सिंह का, अजीत सिंह जी का प्रभावी क्षेत्र है, राष्ट्रीय लोकदल का प्रभावी क्षेत्र है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो जो तालमेल होना चाहिए, मैं चूँकि हस्तनापुर का प्रभारी भी हूँ, उसमें चार लोकसभा है, कैराना है, बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, वहाँ गया भी हूँ मैं। हस्तनापुर जो कि बिजनौर में आती है विधानसभा, वहाँ भी गया हूँ मैं, तो वहाँ सब माहौल है तो फेवर में। लेकिन जो सम्मान कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए लोकदल के कार्यकर्ताओं को, गठबंधन होने के बावजूद वो नहीं मिल रहा, तो इस बात की वेदना है हमको। हमारे नेतृत्व ने कोई निर्णय ले लिया तो हमारे सिर माथे हैं, हम तो एक कार्यकर्ता है, सब लोग कार्यकर्ता है, लेकिन कार्यकर्ता अपने सम्मान को बेच के कोई समझौता नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ पर भी कई मीटिंग हुई है, उनमें हमारी महिलाओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों, हम पदाधिकारी बाद में, हम सब अजीत सिंह के, चरण सिंह जी की रीति नीति के, उनकी योजनाओं के हम सब अनुयायी हैं। किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और मजलूमों की पार्टी है, तो उसमें हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सम्मान के साथ अगर कोई समझौता करने के लिए दबाव डालेगा या ये टिकट फॉर ग्रांटेड लेगा कि ये तो हमारे लोकदल के हैं ही सब, ये तो सब रहेंगे, तो वो समझौता हम नहीं मानने को तैयार है। ऐसा कुछ हमारे यहाँ के जिले के नेतृत्व से भी कुछ भूल हुई है, चूक हुई है, या जानबूझ के किया उन्होंने, तो ये उनका अपराध है, मैं इसे अपराध की श्रेणी मानूँ, और अनजाने में किया है तो अपने में सुधार कर ले, वो अभी भी समय है, बेटी बाप की है, चुनाव अभी होने वाला है, इसलिए हर महिलाओं को, हर कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना वजूद सब रखता है, कोई अपने वजूद से बाहर नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी त्रुटि जानबूझ के की है, मुझे भी लोग तो बलदेव की मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया है, अब यहाँ वृंदावन छठी ग्राम में अभी अमित शाह आए थे, उसकी मुझ पर कोई सूचना नहीं थी, और लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि आप मंच पर नहीं दिख रहे हैं, आप मंच पर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं अपमान सहने के लिए उस मंच पर नहीं जाऊँगा। वहाँ चाहे कंचन बरसे, मैं नहीं जा रहा वहाँ पर कंचन लेने, ये वो माली है, उनका सम्मान है, अधिकारी है, वो पार्टी की चुनाव से लड़ रही है। हालांकि जनपद में इस वक्त हेमा जी का भी भारी प्रत्याशी होने का बड़ा भारी विरोध है, और 10 साल उन्होंने चूंकि कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा है, और वो बहुत प्रभावशाली महिला है, अगर वो चाहती तो अपने नेतृत्व से, अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली से मथुरा को चमका सकती थी। आज तक कोई उद्योग नहीं आया, आज तक कोई फैक्ट्री नहीं लगी यहाँ, कोई हमारे नौजवान लड़कों को रोजगार नहीं मिला, हमारा ट्रैक्टोपोजियम की वजह से यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकते, नॉन पोल्यूशन उद्योग, तो इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है, सफाई की समस्या है।
आरएलडी प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह हैं। उन्होंने ऐसी बात कही जिससे लग रहा है आरएलडी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पर बीजेपी की ओर से चोट की गई। कुंवर नरेंद्र सिंह कह रहे हैं बीजेपी से गठबंधन के बाद भी आरएलडी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं को सम्मान नहीं मिल रहा। कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए गाड़ी नहीं मिल रही, उनके लोग अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, जबकि सांसद हेमा मालिनी जाएंगी मंच पर हमारे नेताओं को बोलने नहीं देती। बीजेपी आरएलडी को घास नहीं डाल रही, ऐसे समझौता मानने को तैयार नहीं। आरएलडी नेता कार्यकर्ता स्वाभिमान बेचकर समझौता नहीं करेंगे। ये सोच रहे थे नगर निगम हो जाएगा तो ये पेरिस लंदन फ्रांस बन जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जाम से जूझ रहा है, गंदगी से जूझ रहा है मथुरा। इन सब बातों को विचार करने के लिए मैंने कहा था, हेमा जी मेरे घर आई थी, मैं उनका स्वागत है, सम्मान है। मैंने उस वक्त कहा था कि एक आपस में तालमेल समिति बन जाए, हमारी आपकी बैठ के समन्वय समिति जिसको कहते हैं राजनीतिक स्वरूप से, वो बन जाए। उसमें 5-7 लोग हमारे हों, 5-7 लोग उनके हों, बैठ के हम लोग समय समय पे मीटिंग करें। इन लोगों को महिलाओं के नाम से गाड़ियाँ ली गई, इनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं महिलाओं। और लोग कहते हैं हमने जनरल आपके लोकदल के अध्यक्ष से बात कर ली, गाड़ियाँ किसी महिलाओं के नाम से, महिलाओं के नाम से 16 गाड़ियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी गाड़ी नहीं मिल रही। तो ये तो अपमान है। एक अपने पेट्रोल डीजल से थोड़ी फूकेंगे चुनाव, हिमाचल लड़के मुंबई जाएंगे या दिल्ली बैठेंगे पार्लियामेंट में, हम कार्यकर्ता अपने घर से पैसा फूके, डीजल फूके, पेट्रोल फूके, वो जो सक्षम है वो कर सकते हैं। हम नहीं मांग रहे, हम अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं, तो अपने जो साधन है उनसे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इसके योग्य हैं, जिनको साधन मिलना चाहिए, वाहन मिलना चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए, उनको सब कम्युनिटी जो हेल्प होती है वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। तो ये अभी भी समय है, मैं आगाह कर रहा हूँ, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगाह कर रहा हूँ कि अभी भी तालमेल बनाकर वो यही नहीं, मैंने वहाँ भी देखा है मेरठ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल वालों को ज़्यादा घास, हिंदी में शब्द है, घास नहीं डाल रही। फिर भी हम बेशर्माई से लगे हुए हैं, चूँकि हमारे नेतृत्व ने हमको निर्देश दिया है कि हमको साथ दे रहा है। मैं तो जयंत जी की मानता हूँ, वो हारे हैं हेमा जी से, लेकिन वो कह रहे हैं कि पुरानी बातों भूल जाएंगे, मैं भी हारा हूँ हेमा जी से, लेकिन उनके अनुसार मैं भी अनुसरण कर रहा हूँ, हालांकि मुझे भी फुरफुरी सी आती है, लेकिन अब क्या करें। लेकिन नेतृत्व का आज का वो है आदेश, उसका पालन हमें भी करना पड़ रहा है।